चाल है? उम्मीद है आप सब खैर खरीत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। हाँ जी, तो व्यूवर्स आज का ब्लॉग शुरू कर रहे हैं। तकरीबन टाइम हो रहा है शाम का और आज हमने करनी है शॉपिंग, मतलब बहुत बड़ी शॉपिंग। और आपने हमारे ब्लॉग के साथ जुड़े रहना है और आपने हम लोग आपसे शेयर करेंगे कि हमने आज क्या क्या शॉपिंग की है। हाँ जी, तो व्यूअर्स ब्लॉग को स्किप ना किया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारी वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा क्योंकि आप लोगों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है हमें। और व्लॉग को स्किप नहीं करते, व्लॉग को पूरा वॉच करते हैं और आप लोगों ने पूरा व्लॉग देखना है। हाँ जी, तो व्यूअर्स फिर आज आपको दिखाते हैं हम लोग कि हम मार्केट से क्या क्या चीज़ें ले आते हैं। चलें जी व्यूअर्स, हम आ गए थे रोड पे और यहाँ पे हमें एक रिक्शे वाला मिल गया था जो कि स्कूल की ड्यूटी छोड़ के आ रहा था और हम बैठ गए थे रिक्शे में। और ये लें जी व्यूअर्स, हम सब बैठ गए हैं और अब हम जा रहे हैं मार्केट। इब्राहिम भी आ गया है। असफ़ी को हम लोग घर छोड़ आए थे क्योंकि असफ़ी बहुत ज़्यादा शैतानियाँ करता है, ऐसे तंग करता है बाज़ार में आके, लेकिन अभी जो है ना ये बहुत अच्छा बच्चा है, ये बिल्कुल भी हमें तंग नहीं करता, ये आराम से बैठा है रिक्शे में और इन्जॉय कर रहा है। जी तो व्यूअर्स, ये है हमारी सिटी का एक छोटा सा बाज़ार, मतलब कि इतना बड़ा नहीं है। हम बाज़ार पहुंच गए हैं और सबसे पहले व्यूअर्स हम आए थे चूड़ियों की दुकान पे क्योंकि यहाँ से लेनी थी हम लोगों ने चूड़ियाँ। और यहाँ पे हम चूड़ियाँ देख रहे थे कि ईद पे कौन सी चूड़ियाँ लें। तो व्यूअर्स ये चूड़ियाँ जो है ना, ये सारी बड़ी प्यारी थी क्योंकि ईद पे जो होती हैं ना चूड़ियाँ वैसे भी बहुत अच्छी होती हैं और हर कोई शौक से पहनता है। वैसे मैं चूड़ियाँ नहीं पहनती, भाभी ने चूड़ियाँ लेनी थी तो फिर उसके लिए चूड़ियाँ पसंद कर रहे थे और फातिमा के लिए भी चूड़ियाँ लेनी थी। तो फिर हम लोग जैसे मार्केट शुरू हुई है, शुरू में जो शॉप थी हम वहीं पे रुक गए। हमें चूड़ियाँ अच्छी लगी हैं, यहाँ पे प्यारी लग रही थी, इसलिए हमने कहा है कि इसी शॉप से चूड़ियाँ ले लेते हैं। व्यूअर्स तो ये देखें, ये मेरी भाभी ने चूड़ियाँ पसंद की हैं लेकिन अभी तक ली नहीं थी। वो देख रही थी कि ये मल्टी लूँ या सिर्फ एक कलर में लूँ। तो व्यूअर्स यहाँ पर ये भी बहुत प्यारी थी और जो मल्टी थी वो भी बहुत प्यारी थी। तो व्यूअर्स फिर हम लोगों ने यहाँ पे चूड़ियाँ देखी और जो ये चूड़ियों वाली शॉप थी व्यूअर्स, तो यहाँ पे इन लोगों के पास ज्वेलरी भी थी और उसकी अच्छी वैरायटी थी। और वहाँ से फिर हमने सोचा कि चलो इन इधर आ गए हैं तो इन लोगों से ज्वेलरी भी देख लेते हैं। हाँ जी, तो व्यूअर्स ये आप देख रहे हैं, अंगूठियाँ पड़ी हैं और इयर रिंग वगैरह पड़े हैं, हर चीज़ इनके पास मौजूद थी। इनकी शॉप बहुत बड़ी थी जिसमें ज्वेलरी थी, चूड़ियाँ थी। और ये देखें ये सेट, ये बहुत प्यारा था माशाल्लाह और बड़ा खूबसूरत लग रहा था, लेकिन ये अब ईदों पे पहनने का तो नहीं है ना। वैसे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि इनके पास बड़ी अच्छी वैरायटी है। ये बानो बाज़ार में शुरू में शॉप है और यहाँ पे आप विज़िट कीजिएगा और ज्वेलरी वगैरह यहाँ से अच्छी होती है और इनकी प्राइस भी रीज़नेबल है, इतनी महंगी चीज़ें नहीं देते। और व्यूअर्स जो ये शॉप है ना, इन लोगों ने ना फिर बड़ा सा हॉल लिया हुआ है जहाँ पे चूड़ियाँ रखी हुई हैं, एक साइड पे ज्वेलरी है, दूसरी साइड पे इन्होंने शूज़ की वैरायटी भी रखी हुई है। लेकिन ये शूज़ जो है ना इतने अच्छे नहीं हैं, मतलब नॉर्मल हैं, जैसे नॉर्मल शूज़ होते हैं। नॉर्मल प्राइस थी इनकी तकरीबन 800-800 थी या 900-900 थी, इतनी थी। मैंने खैर इतना ज़्यादा उनसे पूछा नहीं था, मुझे ये शूज़ पसंद आए थे यहाँ से, लेकिन फिर देखे ना ये जो ऐसी जगहों पर शूज़ होते हैं ना तो वो फिर टूट जाते हैं। जी तो व्यूअर्स अब इनके साथ हम आ गए थे, सामने दूसरी शॉप थी जहाँ पे रोटियों वाले रुमाल होते हैं। व्यूअर्स तो देखें यहाँ से रोटियों वाले रुमाल देख रहे हैं, लेकिन इस शॉप से हमें पसंद नहीं है क्योंकि हमारा इनसे रेट ही नहीं बना। तो व्यूअर्स फिर हम आ गए थे अगली शॉप पे और वो वहाँ पे जो शॉप थी वहाँ पे भी रुमाल की बड़ी वैरायटी थी। और व्यूअर्स हर चीज़ दुनिया की चेंज हो गई है, बस एक चेंज नहीं हुए तो ये रोटियों वाले रुमाल चेंज नहीं हुए, इनका सेम ही डिज़ाइन आ रहा है इतने साल से। हम छोटे छोटे थे तो जो रोटियों वाले रुमाल थे इसी डिज़ाइन के थे और अब हम बड़े हो गए हैं, माशाल्लाह हमारे बच्चे हो गए हैं, लेकिन फिर भी अभी रोटियों वाले रुमाल जो है ना उनके डिज़ाइन चेंज नहीं हुए। दुनिया में हर चीज़, कपड़े का डिज़ाइन चेंज होता है, शूज़ चेंज हो जाते हैं, हर चीज़ चेंज हो जाती है, लेकिन वाहिद ये रोटियों के रुमाल हैं जिनका ना तो कोई प्रिंट चेंज हुआ है और ना ही कोई डिज़ाइन चेंज हुआ है और ना ही इनका कोई कपड़ा चेंज हुआ है। व्यूअर्स तो ये देखें, ये रुमाल हम लोगों ने पसंद किए थे और अब हम ये ले रहे थे और उससे रेट कर रहे थे कि आप हमें मुनासिब प्राइस में दे दें। लेकिन आपको व्यूअर्स पता है आजकल बहुत ज़्यादा महंगाई है और जिसकी वजह से हर चीज़ के रेट बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं। तो व्यूअर्स ये बेचारे दुकानदार भी क्या करें, इन्हें भी पीछे से चीज़ें महंगी मिलती हैं, लेकिन फिर भी इतनी महंगाई है नहीं जितनी इन लोगों ने बना दी है। वैसे कुछ ऊपर से है और कुछ इन लोगों ने बना दी है। तो व्यूअर्स उसके बाद फिर हम आ गए थे आगे जूतों वाली शॉप पे, मतलब शॉप थी, उन लोगों ने बाहर एक पट्टा लगाया हुआ था जहाँ पे ना चप्पल जो थे ना बच्चों के, बड़ों के, उनकी बड़ी आला किस्म की वैरायटी थी व्यूअर्स। तो ये मेन बाज़ार में है
और यहाँ पे बड़े प्यारे प्यारे चप्पल हैं। तो फिर हमने सोचा कि यशवंत के लिए चलो कोई चप्पल ले लेते हैं, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा पसंद आ गए थे इन लोगों के चप्पल। तो फिर व्यूवर्स हम यहाँ पे देख रहे थे कि कौन से चप्पल लें, यहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइन थे और सारे डिज़ाइन ही प्यारे थे। ये नहीं कहा जा सकता कि कोई ये अच्छा है और वो बुरा है, तो इनमें सारे ही बहुत अच्छे थे। तो व्यूवर्स ये देखें, अब हम यहाँ से पसंद कर रहे थे, भाभी देख रही थी चप्पल के कौन से चप्पल यशवंत के लिए लूँ, और ज़्यादातर वो इस रेड पे फोकस कर रही थी। लेकिन व्यूवर्स हम लोगों ने अभी ये सिलेक्ट नहीं किए थे और ना ही ये लिए थे, तो इसलिए हम बाकी भी देख रहे थे इधर उधर। ये देखें जैसे मिकी माउस वाले हैं, तो व्यूवर्स आप देख रहे हैं कि वो देखें व्यूवर्स, ये ब्लू कलर वाले ये भी काफ़ी प्यारे थे, लेकिन ये साइज़ थोड़ा बड़ा था। लेकिन इसमें साइज़ अवेलेबल होता है, आप जिस उम्र के बच्चे के लिए भी लें। ये जो है ना ये मिकी माउस वाले जो ऑरेंज हैं, ये भी बड़े प्यारे थे। तो व्यूवर्स इसके बाद जो थे ना चप्पल, एक और डिज़ाइन था ऊपर, तो हमने उसे कहा कि वो उतार दे, उसने हमें वो उतार के दिया है। तो हाँ ये देखें, ये इस पे देखें ना ये आँख सी बनी हुई है, ये भी बड़े प्यारे थे। लेकिन इसका कलर जो ग्रे है ना, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, जैसा कि ब्लू रेड और ऑरेंज थे। तो व्यूवर्स आप लोगों ने फिर हमें बताना है कि कौन से शूज़ अच्छे हैं, हम भी देखते हैं कि आप लोगों को कौन से पसंद आते हैं, और फिर हम आपसे शेयर करेंगे घर जाकर कि हम लोगों ने कौन से लिए थे। व्यूवर्स तो अब हम आ गए थे एक शॉप पे, और वहाँ पे ये उन्हीं की शॉप थी जिन लोगों ने बाहर चप्पल लगाए हुए थे, यहाँ से लेने थे शूज़ यशवंत के, तो इसलिए हम यहाँ से शूज़ पसंद कर रहे थे। ये देखें व्यूवर्स, यहाँ पर बहुत ही अच्छी वैरायटी है और बड़े प्यारे डिज़ाइन थे, तो हम लोग ये देख रहे थे। और इनमें से फिर एक यशवंत के लिए शूज़ लिए थे। हाँ? क्या कहते हो, छोड़े भाई, छोड़ दो अंकल को, छोड़ दो, शूज दिखाए ना फिर। इसे बिल्कुल, ये बिल्कुल छोटा बच्चा है। औरतें वहाँ पे हैरान हो रही थी, देख रही थी कि इतना छोटा सा बच्चा इतना एक्टिव कैसे, उसने शॉप वाले का हाथ पकड़ लिया है। तो यहाँ पे इब्राहिम के लिए भी शूज़ पसंद आ गए थे, और अब इब्राहिम को पहना रहे हैं, क्योंकि इब्राहिम अभी बहुत छोटा है, चल नहीं सकता, लेकिन फिर भी हम लोगों को यहाँ पे शूज़ पसंद आ गए थे। हमने सोचा इब्राहिम को भी शूज़ लेकर देते हैं, लेकिन इब्राहिम माशाल्लाह से हमें तो छोटा लगता है, लेकिन इब्राहिम बड़ा हो गया, और वो जो ये जो शूज़ हम इसे पहना रहे हैं, ये इसे बिल्कुल भी नहीं आया, ये इससे छोटा था, इब्राहिम का पाँव बड़ा बड़ा था। व्यूवर्स फिर हम आ गए थे बाहर, और बाहर पे जैसे मार्केट में रेहड़ियाँ वगैरह लगी हुई होती हैं, तो यहाँ पे मेरी सिस्टर ने देखा है कि यहाँ पे एक शूज़ खड़े हैं छोटे और बिल्कुल टिन्नी से शूज़ हैं, और वो कहती थी कि ये इब्राहिम को आ जाएंगे, और ये अब उस रेहड़ी वाले से बहस कर रही है कि भाई ये इतने के नहीं हैं और इतने के हैं, मतलब उसने कोई 200-300 मांगा है, इतने पैसे भी नहीं मांगे। लेकिन मेरी बहन जो है ना, वो बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करती है, और वो कहती है कि नहीं थोड़े पैसे ले लें, उसकी कोशिश होती है कि हमें चीज़ें बहुत ज़्यादा सस्ती मिलें। तो मेरी भी कोशिश होती है, जितना वो मांगते हैं मैं उससे आधे से भी ज़्यादा कम बताती हूँ कि ये चीज़ हमें सस्ती मिल जाए। हाँ जी, तो व्यूवर्स फिर हम उसके बाद आ गए थे आगे मार्केट में, जहाँ पे पीको वगैरह होते हैं दुपट्टों के और लेसेस वगैरह मिलती हैं। तो यहाँ पे मैंने एक दुपट्टा जो था मेरा, मतलब मेरा जो ड्रेस है ना उसके साथ का एक दुपट्टा था जो कि पीको नहीं हुआ था, तो फिर मैंने कहा कि चलो इस मार्केट जो जा रहे हैं तो इसे भी पीको करवा देते हैं। तो हम पीको वाले के पास आए थे और उसको दिया था दुपट्टा कि भाई इसे पीको कर दे, उसने कहा था तकरीबन आधा घंटा लगेगा, तो उसके बाद आप वापस आके उठा लीजिएगा। तो व्यूवर्स फिर हम लोगों ने अभी शूज़ वगैरह लेने थे और कपड़ों के साथ दुपट्टे मैच करने थे, तो इसलिए हमने कहा कि चलो वापसी पे ले लेंगे। हाँ जी, तो व्यूवर्स ये है अम्बाला शॉप, आई थिंक मेरे ख्याल से इसका नाम यही है, हम तो इन्हें यही कहते हैं अम्बाला वाले, ये उन्हीं की शॉप है। और यहाँ पे शूज़ जो है ना बहुत अच्छी वैरायटी होती है, मतलब यहाँ पे खुसे बड़े प्यारे होते हैं और शूज़ भी बड़े प्यारे होते हैं। लेकिन आपको पता है कि 28 रोज़ा था सॉरी, तो रोज़े मतलब जैसे एंड हो गया ना, लोग वगैरह शॉपिंग करते रहते हैं, बाज़ार में रश भी होता है, और जो अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं ना वो पहले बिक जाती हैं, और बाकी जो ऐसे होती हैं ना वो पड़ी रहती हैं। हम बिल्कुल एंड पे गए थे, तो इसलिए अब यहाँ से शूज़ लेने थे। व्यूवर ये जो चप्पल पड़े हैं ना, ये बहुत ही अच्छे हैं, वैसे मैंने पिछले साल ये लिए थे, ये वही डिज़ाइन फिर से सेम से 2-3 साल हो गए ना, यही जो डिज़ाइन है ना, ये जो चप्पल पड़े हैं फूल वाले, इनका वही रिपीट हो रहा है। ये मैंने लिए थे लेकिन ये बहुत अच्छे थे, मैंने तकरीबन 1500 के लिए थे, और लिए भी इसी शॉप से थे, लेकिन ये ना बहुत जल्दी टूट गए थे मेरे, मतलब ये इतने ना अच्छे नहीं थे। वैसे दिखने में तो बहुत ही प्यारे हैं, मुझे बहुत अच्छे थे, मैं पसंद थे और अब बड़े अच्छे लग रहे थे, लेकिन मैंने लिए नहीं हैं, क्योंकि मुझे पता था मैंने एक बार लिए हैं और तकरीबन ये कोई 15-20 दिन मैंने पहने होंगे घर में, जैसे कैजुअल पहनते हैं डेली रूटीन में, तो ये ना टूट गए थे। तो व्यूवर्स इनके पास ये जो शूज़ थे ये बड़े प्यारे थे, और यहाँ पे देख रहे थे कि कौन से शूज़ ज़्यादा अच्छे हैं। तो व्यूवर्स यहाँ से फिर शूज़ भी लिए थे,
यस, जैसे जो चीज़ हम लोग ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपको नहीं दिखा रहे, वैसे ओवरऑल दिखा रहे हैं, वैसे नहीं दिखा रहे। जब हम ईद की मुकम्मल शॉपिंग दिखाएंगे ना घर जाकर, तो वो फिर आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे, कपड़े, शूज़, ज्वेलरी वगैरह। व्यूअर्स, तो यहाँ पे हम आ गए थे, एक ज्वेलरी की शॉप थी, अल जन्नत आर्टिफिशियल ज्वेलरी शॉप। ये जो है ना हमारे सिटी की बहुत बड़ी शॉप है ज्वेलरी की, और इनके पास बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की और रीज़नेबल प्राइस में ज्वेलरी होती है, और इनकी ज्वेलरी बहुत प्यारी होती है, खूबसूरत किस्म की ज्वेलरी उन लोगों के पास होती है। और व्यूअर्स, आप लोग ना ज़रूर विज़िट कीजिएगा, और ये मतलब ये जो है ना बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ देते हैं और रीज़नेबल प्राइस के साथ देते हैं। व्यूअर्स, प्राइस तो रीज़नेबल होती है, लेकिन जब ये पहले पहले पैसे मांगते हैं ना, बहुत ज़्यादा मांगते हैं, शायद मुझे ज़्यादा लगते हैं। मैंने जो यहाँ से ईयर रिंग लिए हैं ना, तो तकरीबन इन लोगों ने मुझसे कहीं 400 मांगे, और मैंने इनको कहा है कि नहीं 400 नहीं देना। फिर फाइनल करते करते इनसे बहस करने के बाद मैंने तकरीबन 350 दिया था, 50 रुपये इन लोगों ने मुझे छोड़ दिए थे। चलो खैर, ये भी बहुत हैं, आजकल ईद का सीज़न है, जितने छोड़ दें वो बहुत हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा महंगाई है, और बिल्कुल भी शॉप वाले लिहाज नहीं करते, ये नहीं देखते ये चीज़ बहुत महंगी दे रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये जो है ना ईयर रिंग, ये हम देख रहे थे कि कौन से अच्छे लगते हैं हमारे ड्रेस के साथ। तो ये भाई जो है ना, ये हमें दिखा रहे थे कि किस टाइप के आपने लेने हैं। वैसे ये जो मैंने आपको दिखाए हैं, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे, ये मुझे अच्छे लग रहे थे, लेकिन व्यूअर्स मैंने ये लिए नहीं हैं। तो यहाँ पे ये जो हम आपको डिज़ाइन दिखा रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगी ना इनमें से, फिर मैंने एक लिए हैं, वो जब मैं घर जाऊँगी ना फिर आपको दिखाऊँगी। तो ये जो हमें पसंद आ रहे थे, मैं उसे कह रही थी, वो दे रहा था, और व्यूअर्स मैं आप लोगों से शेयर कर रही थी। ये देखें, ये भी बहुत प्यारे थे। वैसे तो इनकी शॉप पे ना बड़ी आला किस्म की वैरायटी है, बड़े ही अच्छे डिज़ाइन हैं, लेकिन फिर हम लोगों ने वही लेने थे जो हमारे ड्रेस के साथ थोड़े बहुत मैच हों। वैसे तो ये जो दिल वाले हैं ना, ये मैच हो रहे थे, मुझे अच्छे लग रहे थे। फिर मुझे ऐसे लग रहा था, जो इसकी चेन है ना दरमियान में, वो थोड़ी ना टेढ़ी सी हो रही थी, और फिर मुझे ऐसे वहम हो गया कि कहीं ये जब मैं घर ले जाऊं और फिर ये टूट ना जाए। तो जो डिज़ाइन हमने दिखाया ना, उनमें से फिर मैंने एक सेलेक्ट कर लिए थे। व्यूअर्स, तो ये थी मतलब मिडल फिंगर जो रिंग नहीं होती, दरमियान में पहनने वाली वो थी, और इनकी प्राइस थी व्यूअर्स तकरीबन 70 थी, वैसे नॉर्मल प्राइस थी, और बड़ी प्यारी थी ये भी हम लोगों ने ली थी। तो व्यूअर्स, हाँ जी, अब जहाँ पे भी ये आइसक्रीम वाले होते हैं, चाहे ये असफ़ी है और ये छोटा इब्राहिम अभी है, तो इनको ना खाने के सिवा और काम नहीं है। अब ये जी इधर आइसक्रीम वाला था मार्केट में, तो वहाँ से फिर इब्राहिम के लिए आइसक्रीम ली है। ये देखो कितना खुश हो रहा है, और पहले उसने मुँह खोल दिया कहीं मुझे ऐसे ही देती है और मैं ऐसे खा जाऊँगा। हाँ जी, तो व्यूअर्स, शाम हो गई थी, बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई थी, और हम जो मार्केट में थे अभी शॉपिंग वगैरह करनी थी, इसलिए फिर यहाँ से कोल्ड ड्रिंक ली है। अच्छा, ये इससे अच्छा लीटर वाली ना ले लें, जो आपको दे, हाँ लीटर वाली दे दें, एक कोक देनी है ठंडी हो। बढ़िया, हाँ ये। और कितने पैसे हुए? 130। ये ले, गिलास तो नहीं चाहिए भाई, गिलास है डिस्पोजेबल, 3 दे दें। हाँ जी, तो व्यूअर्स, वहाँ से कोल्ड ड्रिंक ली थी, और यहाँ पे लिए थे हम लोगों ने समोसे, क्योंकि समोसे हमें किसी को भी पसंद नहीं है, वैसे भूख लगी हुई थी, इसलिए फिर और कुछ मिल नहीं रहा था, तो फिलहाल यही समोसे मिले थे, तो फिर हमने यहाँ से समोसे ले लिए थे। और ये देखें, इब्राहिम अपनी आइसक्रीम खा रहा था बड़े आराम से और रिलैक्स हो गए बैठ के। हाँ जी व्यूअर्स, तो उसके बाद फिर हम यहाँ आ गए थे सर्विस पे। ये सर्विस तो है, इन लोगों ने बाहर लोगो तो सर्विस का लगाया हुआ था, लेकिन अंदर जब हम गए ना तो शूज़ सारे लोकल ही थे। यहाँ तो मुझे कोई भी सर्विस की शूज़ नज़र ही नहीं आई, मतलब ये कालजा थी, और जो सर्विस थी ना, जो मतलब जिसके डिब्बे वगैरह ऐसे सर्विस वाले रखे हुए हैं, लेकिन जो शूज़ थे ना उन पे बिल्कुल कोई और कंपनी थी, कोई और कंपनी थी। असल में जो मार्केट में ये सर्विस और बाटा वाले हैं ना, इनके पास बिल्कुल भी ओरिजिनल शूज़ तो होते नहीं हैं, ऐसे दो नंबर।
मतलब लोकल शूज़ लेके ना, जैसे डुप्लीकेट होते हैं, तो वैसे इन लोगों ने रखे हुए थे। तो अब इसके बाद हम आए थे बाटा पे। बाटा पे ये था कि वैरायटी तो वही बाटा वाली थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी, बस कुछ थे ऐसे बच्चों के और बड़ों के भी थे, ऐसे थे कैजुअल थे, ज़्यादा कोई ईद वगैरह के या किसी फंक्शन के नहीं थे शूज़। तो इन लोगों ने कहा था कि हमारी जो मेन रोड पे शॉप है ना, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलेगी, तो वहाँ पे आप जाकर चेक कीजिएगा। यहाँ पे ये शूज़ जो रेड कलर के थे मुझे पसंद आए थे, लेकिन फिर मैंने नहीं लिए क्योंकि ये साइज भी नहीं था, और बस इसके साथ ना फिर ब्लैक चाहिए था, कलर तो ब्लैक नहीं था। इस भाई ने कहा था कि रेड और ये स्किन मिलेंगे। तो व्यूअर्स, यहाँ से हमें कोई शूज़ पसंद नहीं आए थे, बस वैसे चेक किए थे, देखे थे, लेकिन पसंद हमें नहीं आए थे क्योंकि यहाँ पे वैरायटी नहीं थी। ईद के लिहाज से शूज़ लेने थे जो यहाँ पे बिल्कुल अवेलेबल नहीं थे सिटी में, मतलब शहर के अंदर जो शॉप है, जो बाहर वाला मेन रोड है ना, वहाँ पर फिर काफ़ी ज़्यादा वैरायटी होती है। व्यूअर्स, हम लोगों ने कुसा लेना था, तो फिर कुसे की शॉप पे गए थे और वहाँ से कुसे पसंद किए हैं। और व्यूअर्स, यहाँ पे फिर जो है ना पुलिस मार्केट, मतलब सिटी प्लाजा जिसे कहते हैं बखर में, तो वहाँ पे जो कपड़े वगैरह है ना, जो पठान ले आते हैं ना, जैसे टू पीस ले आते हैं, ये कपड़ा पेशावर से ले आते हैं, इनका कपड़ा बड़ा अच्छा होता है, इनकी लॉन भी बड़ी अच्छी होती है। तो यहाँ से देख रहे थे और यहाँ से भी लिए नहीं थे, वैसे गुजर रहे थे, क्योंकि दुपट्टे मैच करने थे ना इनकी मार्केट से। तो ये जो कपड़े हैं ना, ये भाभी ने कहा कि चलो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि कैसे हैं। तो व्यूअर्स, फिर हम अंदर प्लाजे के चले गए थे और वहाँ पे हमें, जैसे ही हम इंटर हुए हैं, हमें बहुत अच्छा फ्रॉक नज़र आया, जैसे कि शादी का, हमारी कज़न की शादी है अब, और उसके लिए भी कपड़े वगैरह लेने हैं। तो यहाँ पर एक शॉप है जहाँ पर ये बड़े प्यारे फ्रॉक हैं और इनकी प्राइस भी रीज़नेबल थी, इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थे, थे भी बहुत ज़्यादा प्यारे, खूबसूरत थे ये सारे। तो व्यूअर्स, ये जो है ना, ये था तकरीबन 9000 का, और जो फिरोजी खड़ा है ना सामने, ये वाला, ये हमें पसंद आया था, इसके वो ना 10000 मांग रहा था, और अगर हम मतलब ले लेते ना तो वो लेस करता, क्योंकि उसने मांगे 10000 थे, वो ज़रूर लेस करता, 1-2000 उसने छोड़ ही देना था। व्यूअर्स, तो यहाँ पर दुपट्टे मैच करने आ गए थे फिर हम। तो व्यूअर्स, ये जो दुपट्टे हैं ना, जब भी इंसान कपड़े ले ना, अपने दुपट्टा साथ ज़रूरी ले, ये ना हो कि टू पीस ले लें। जैसे अब मैंने ऑनलाइन टू पीस स्टिच मंगवाया था, उसके साथ दुपट्टा नहीं था। तो व्यूअर्स, अब पूरी मार्केट घूमी हूँ, मुझे तो यहाँ पे कोई दुपट्टा मैच नहीं हुआ मेरे सूट के साथ, और इतने जलील हुए हैं ना, इतनी गर्मी थी और इतना रश था, और फिर हमें बिल्कुल भी दुपट्टा मैच नहीं हुआ। इतनी मुश्किल से एक दुपट्टा मैच हुआ, लेकिन इतना नहीं हुआ, फिर भी मैंने कहा कि अब ईद आ गई है और फिर और कहाँ से लें, तो इसलिए फिर ना वो दुपट्टा ले लिया। वैसे भी कभी भी दुपट्टे के बगैर ना कपड़े नहीं लेने चाहिए, और यहाँ पे इतनी मैचिंग होती नहीं है, वैरायटी होती नहीं है हमारे शहर में, और फिर इस तरह कलर भी नहीं मैच होते। हाँ जी, तो व्यूअर्स, यहाँ पे हम आ गए थे नियाजी क्लॉथ हाउस पे, ये बखर सिटी प्लाजा में है, और यहाँ पे हमें एक लहंगा बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था, तो हम लोगों ने कहा चलो इसकी प्राइस पूछ लेते हैं, और अगर ये रीज़नेबल है तो इसको ले लेते हैं, क्योंकि हमारी कज़न की शादी है और उसके लिए फिर मेहंदी वगैरह पे पहन लेंगे। ये ब्लैक कलर का जो लहंगा है, हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया है, और ये लहंगा फिर हम लोगों ने ले लिया था फाइनली। इनसे रेट बन गया था हमारा, क्योंकि इन्होंने 10000 मांगा था और इन्होंने ये तकरीबन 7 तक हमें दे दिया था। तो व्यूअर्स, ये मतलब पहले शॉप वालों की आदत होती है, डबल पैसे मांगते हैं और फिर जब लेते हैं तो फिर उनमें थोड़ा बहुत कमी बेशी कर लेते हैं। व्यूअर्स, तो फिर हम लोगों ने मेहंदी लेनी थी, हम मेन मार्केट में आ गए थे, यहाँ से मेहंदी ली है, और मेहंदी का एक मसला हो जाता है, मेहंदी जब भी ले जाते हैं ना, जब वो लगाते हैं तो वो अर्क होता है अंदर से, इसीलिए इसी चीज़ की बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, फिर अर्क हाथों को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देता है। तो इस भाई को हम लोगों ने कहा था कि भाई अगर मेहंदी है ओरिजिनल मेहंदी तो वो दे दें, अगर अर्क है तो ना दें। फिर इसने कहा कि ये जो सबा मेहंदी है ना, ये मेहंदी है, इसमें अर्क नहीं है, अर्क अलहदा होता है। तो पता नहीं, अब जब लगाएंगे तो पता चलेगा कि ये मेहंदी थी या अर्क था। तो यहाँ से ये ले लिए। व्यूअर्स, तो खुद से लेने थे और एक पहले ले लिया था और अब एक यहाँ से लिया है, ये चेक कर रहे हैं साइज़ के कौन सा पूरा आता है, और इनके खुसे बड़े प्यारे होते हैं। ये भी एक शॉप के बाहर बैठा है खुसों वाला, बानो बाज़ार है बखर सिटी में, जहाँ इंटर होते हैं ना वहाँ पे।
तो इनके बड़े प्यारे खुस्से होते हैं और इसके पास खुस्सों की वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारे यहाँ बकर में ना शॉप जो है ना वहाँ पे खुस्से नहीं मिलते इतनी अच्छी वैरायटी में। ये जो बाहर फट्टे वगैरह लगे हुए होते हैं ना, इन पे बहुत ज़्यादा अच्छी वैरायटी मिल जाती है शॉप की निस्बत। तो यहाँ से फिर खुस्से लिए थे व्यूवर्स। तो अब वापसी पर दुपट्टा उठाना था पीको वाले के पास से, उसने पीको कर दिया था, तो यहाँ से आके हम लोगों ने दुपट्टा उठाया है। और अब फिर एक ही टेंशन कि हमारा टेलर, जब हम आए थे तब वो कहीं जा रहा था, उसने कहा था कुछ देर के बाद आना। फिर जब हमने सारी शॉपिंग वगैरह कर लिया, अब फिर हम आ गए हैं टेलर के पास और अब इसकी सुनते हैं ये क्या कहता है। इसके पास दुपट्टे थे, लेस वगैरह इसने लगानी थी वो उठाने थे, और एक सूट भी इसके साथ बाकी बच गया था इसके पास जो इसने देना था। तो ये देखें व्यूअर्स, ये दुपट्टे तो इसने तैयार कर दिए हैं, लेसेज लगा दिए हैं दुपट्टों पे। ये फाइनली शुक्र है इसने दे दिया, वैसे ये कपड़े इतने जल्दी देता नहीं है, ये बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है। और ये इसने दुपट्टे दे दिए थे और जो सूट था वो भी इसने दे दिया था। शुक्र है कि आज सारा काम कंप्लीट हो गया है, बाज़ार का फिर से नहीं आना पड़ेगा, ना टेलर के पास आना पड़ेगा, ना कुछ लेने आना पड़ेगा, हर चीज़ ले ली है। हाँ जी, तो व्यूअर्स यहाँ पे हम आ गए थे, ये है खालिद जर्नल स्टोर, और यहाँ से बस छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी वो ली थी, और बस बाकी इतना कुछ मेकअप वगैरह नहीं लिया, यही कोई आई पेंसिल ली थी और एक कोई ये गोल्डन पर्ल वालों की स्किन पॉलिश होती है वो ली थी कि चलो भाई ईद आ रही है, कोई हम भी तैयार श्यार हो जाएंगे। तो यहाँ से असल आई तो मैं मुल्तानी मिट्टी लेने थी, इनके पास लिक्विड में मुल्तानी मिट्टी होती है, लेकिन वो इनके पास स्टॉक ख़त्म हो चुका था, तो इन लोगों ने कहा था वो ईद के बाद मिलेगी। तो फिर मैंने कहा चलो कि थोड़ी बहुत चीज़ें जो है ना इनसे ले लेते हैं। टिंकल वगैरह लेने थे, ये आई पेंसिल लेनी थी, तो फिर यहाँ से ये सब चीज़ें हम लोगों ने ली थी। ये बड़ा अच्छा जनरल स्टोर है, यहाँ पे बिल्कुल बहुत ही अच्छी चीज़ें मिलती हैं बाज़ार की निस्बत जो है ना, या इन लोगों की जो कॉस्मेटिक होती है वो भी अच्छी होती है। मेकअप वगैरह कभी हमने ट्राई नहीं किया इनका, वैसे अच्छा ही होगा इसका, इसकी शॉप की हर चीज़, फेस वाश वगैरह जैसे होते हैं, स्क्रब क्लिनज़र वगैरह सब इसी से लेते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। हाँ जी, तो व्यूअर्स अब हम आ गए थे घर, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, शुक्र है आज सारे काम ख़त्म हो गए हैं और हर चीज़ ईद की कंप्लीट हो गई है। तो व्यूअर्स आप लोगों से ज़रूर शेयर करेंगे हर चीज़, एक बकायदा व्लॉग बनाएंगे जिसमें अपने कपड़े दिखाएंगे, शूज़ दिखाएंगे, ज्वेलरी दिखाएंगे, जो जो चीज़ हमने जहाँ जहाँ से जितने की परचेज़ की है सारी दिखाएँगे। आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।